Yeah.

के साथ जाएगा हमें कुछ ना कुछ समझ जरूर लग जाएगी कि पाकिस्तान ने आगे वर्ल्ड कप में यानी जो यूएसए होस्ट कर रहा है वेस्ट इंडीज होस्ट कर रहा है किस तरह से परफॉर्म करना है सो एवरी वन आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड पाकिस्तान टीम आज इंग्लैंड के साथ खेलेगी तकरीबन पाकिस्तान टाइम के हिसाब से साढ़े बजे मैच शुरू हो जाएगा और बेसब्री से इंतजार है कि कब साढ़े छः हों और हम लोग अपनी टीम को खेलते हुए देखें इंग्लैंड के खिलाफ क्योंकि पाकिस्तान ने बड़े बड़े दावे तो किए हैं लेकिन देखना यह है क्या वो उन दावों पर पूरा उतरते हैं या नहीं इसी हिसाब से शायद आफरीदी साहब ने जो कि अभी आईसीसी मैं टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के ग्रैंड एम्बेसडर भी बने हैं उन्होंने भी अपनी राय का इजहार किया है उन्होंने वर्ल्ड कप के हवाले से कुछ टीम्स अनाउंस की हैं कि उनके मुताबिक सेमीफाइनल्स में कौन सी टीम्स हो सकती हैं और पाकिस्तान सेमीफाइनल में, में होता है या नहीं होता तो नाजिन इन तमाम बातों पर जो है वो हाफिज़ साहब की राय लेना बहुत जरूरी हो जाता है तो मैंने सोचा कि हाफिज़ साहब को सेट पर बुलाते हैं और कहते हैं हाफिज़ साहब मेरे सामने बैठे और जरा हमारे व्यूअर्स के साथ जो है वो इजहार राय करें तो नाजिन आप सबकी जान क्रिकेट की शान हाफिज इमरान असल बहुत शुक्रिया आपका हाफिज साहब शायद आफरीदी साहब ने इजहार किया उन्होंने कहा कि लाइक जो टॉप फोर टीम्स उन्होंने बताई हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान होगा भारत होगा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं वो टॉप फोर में देखिए अपने अपने ख्याल का इजहार कर रहे हैं क्रिकेट हाँ। आ, से ताल्लुक रखने वाले मुख्तफ माजी के खिलाड़ी शायद आफ्री का शुमार भी टी ट्वेंटी क्रिकेट में दुनिया के बेहतरीन और नुमाया क्रिकेटर्स में होता है बिल्कुल आ, जिस तरह ब्राइन लारा ने पाकिस्तान की टीम को सेमीफाइनल में नहीं रखा था तो उसे उसके साथ साथ माइकल वॉन ने भी पाकिस्तान और भारत दोनों को अपनी टॉप फोर टीम्स में नहीं रखा था exactly. शायद आफरीदी साहब की भी उसी तरीके से अहमियत hmm. है और लोग उनको पसंद करते हैं खेलते हुए जब वो जब खेला करते थे उस वक्त भी लोग उन्हें देखना पसंद करते थे और आज जब वो गुफ्तु करते हैं या अपने ख्याल का इजहार करते हैं बलखसूस चूँकि ये एक फ़ैन इंगेजमेंट का भी एक जरिया है कि आप लोगों को अपनी राय बताते हैं लोग उसके ऊपर गुफ्तु करते हैं जैसा कि आपका सवाल भी है उनकी जो चार टीमें हैं ये पोटेंशियल रखती हैं सारी की सारी टीमें सेमीफाइनल में जाने जाने के लिए अच्छा तो इंग्लैंड का नाम नहीं मतलब ठीक है अपने भी राय है लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो इंग्लैंड को काउंट नहीं कर रहे हैं इसमें देखिए अगर उनकी वर्ल्ड कप दो की कारकर्दगी को बुनियाद बनाकर उन्हें हाँ, आप 24 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में ना रखें तो फिर आप पाकिस्तान को भी नहीं रख सकते क्योंकि 2023 के वर्ल्ड कप में अगर 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की कारकर्दगी ख़राब थी तो पाकिस्तान की भी ख़राब थी पाकिस्तान हाँ, की भी कारदर्दगी बहुत अच्छी नहीं थी और अगर पोटेंशियल के एतबार से देखते हैं तो इंग्लैंड के पास, पास पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर वाइट बॉल के क्रिकेटर्स मौजूद हैं इवन टी ट्वेंटी फॉर्मेट में भी उनके पास ज़्यादा बेहतर मौजूद हैं अब टूर्नामेंट क्लिक कैसा करती है टीम कौन सी टीम कितना ज़्यादा अच्छा उस वक्त में उस उस एक माहौल में खेल रही होती है इसका फ़ैसला तो बहरहाल जब टूर्नामेंट शुरू होगा उस वक्त किया जा किया जाएगा लेकिन बहरहाल ये जो चारों टीमें उन्होंने बताई हैं इन चारों टीमों में इतनी सलाहियत है कि ये वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल सकती हैं और कौन जानता है कि इन दोनों में से इन चारों में से कोई दो टीमें वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेल रही हूँ हाँ। तो ये पोटेंशियल रखती हैं टीमें जिन टीमों का माइकल वॉन ने जिक्र किया था वो भी टीमें पोटेंशियल रखती हैं जिन टीमों का जिक्र किया था ब्रायन लारा ने वो भी टीमें रखती हैं तो ये सारी वो आठ नौ जो ऊपर की टीमें है ना ब्राग़ा आठ की टीमें ऊपर की उन्हीं के गिर सबकी घूमेगी ज़्यादातर ऊपर की जो चार पाँच टीमें हैं चार पाँच टीमें हैं ना उनमें से लोग टॉप फोर की टीमें है निकालते हैं अब छः टीमें निकाल लें छः में से चार जो है वो जिसको पसंद होंगी बाज़त ऐसा होता है कि किसी एक खिलाड़ी की कोई खास दिलचस्पी होती है एक टीम में एक ख़ास पसंद होती है मतलब एक टीम में दो खिलाड़ी होते हैं दोनों बहुत शानदार होते हैं लेकिन हर किसी की अपनी पसंद है मतलब विराट कोहली और रोहित शर्मा एक ही टीम है लेकिन मैं लेकिन लोग जब अपनी पसंद का इज़हार करेंगे विराट के हवाले से मुख्तु करेंगे रोहित के हवाले से मुख्तव करेंगे बाबर अजम के हवाले से मुख्तु करेंगे रिजवान के हवाले से मुख्तु करेंगे सो पाँच छः टीमों में से चार टीमों का सेमीफाइनल में जाना जा भी सकती हैं टीमें इंग्लैंड भी हैरान कर सकती है सबको वेस्ट इंडीज़ को लोग इसलिए बड़ी अहमियत दे रहे हैं क्योंकि वो उनके मैदानों पर यह वर्ल्ड कप के मैचज़ खेले जाने हैं तो जो टीम होम ग्राउंड जिसका होता है उसको एक फ़ायदा जरूर होता है होता है बिल्कुल सही और फिर उसके साथ साथ ये जो उनकी टी ट्वेंटी फॉर्मेट में उनकी टीम हमेशा से हैरान कुल नतज देती है गुज्तर मेरा ख्याल आठ दस बरसों में वो दो मरतबा वर्ल्ड टी ट्वेंटी आ, का टाइटल जीत चुके हैं और अपने मैदानों पर वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे अगर अगर सिर्फ दो हज़ार तेईस के वर्ल्ड कप की अगर कारकर्दगी को बुनियाद बना के टीमों का मुजन किया जाए तो फिर तो वेस्ट इंडीज़ को भी टॉप फोर नहीं को ही रखेगा लेकिन आ, ये बहुत ज्यादा चीज़ें जब आप देखते हैं तो कुछ प्रीवियस आपकी जो परफॉर्मेंसेस होती हैं उनको उनको सामने रखा जाता है और उसके साथ साथ आपकी जो टी ट्वेंटी फॉर्मेट में प्लेयर्स होते हैं उनको देखते हुए जो खिलाड़ी हैं वो अपनी अपनी टॉप फोर टॉप फोर जो टीम्स हैं उनके नामों को सामने रखते हैं लेकिन बहरहाल माइकल वॉन जय के नाम से आया फिर उसके साथ आए माइकल वॉन आए और फिर अब शाहिद आफरीदी साहब ने कहा है तो ये सारी की सारी टीमें टॉप फोर में जाने की अहलियत रखती हैं इसमें कोई दूसरी रा, राय नहीं है रखती हैं कौन जाता है कौन नहीं जाता है देखें हो सकता है ना कि बाज़ात आप एक इंग्लैंड को अगर नहीं शामिल कर रहे हैं टॉप फोर में तो इंग्लैंड जा सकती है अगर फ़र्ज़ कर लें कोई ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका को शामिल नहीं कर रहा टॉप हाँ, फोर तो में साउथ अफ्रीका भी कुछ जा सकता नहीं जा सकता, ये, जा सकता ये, है। सारी, ये सारी ये सारी टीमें वो हैं पाकिस्तान इंग्लैंड न्यूजीलैंड जनूबी अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ इंडिया ये सब की सब टीमें इतनी सलाहियत ज़रूर रखती हैं कि ये वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में चली जाए इनमें से कोई चार जा सकती हैं मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश का नाम भी किसी ने शामिल किया था अब पता नहीं वो माइकल वॉन ने किया था या किसने किया था कि वो बीस सेमीफाइनल में जा सकती है टीम वर्ल्ड कप के लेकिन अब अगर अमेरिका ने जिस तरह से हराया आ आ आ आ आ है उसको बांग्लादेश को और बांग्लादेश की बांग्लादेश ने ये दो मैचों में क्रिकेट खेली है टी में अमेरिका के ख़िलाफ़ उसके बाद तो ज़रा मुश्किल होगा ना खासा मुश्किल होगा उनके लिए हाँ। कि उनके बारे में कोई अच्छी बात करें वेस्ट इंडीज़ में होने वाले वर्ल्ड कप को देखते हुए बांग्लादेश को स्पिन बॉलिंग जो है ना उनकी हाँ। या अगेंस्ट स्पिन जो वो खेलते हैं चूँकि उनके अपने मैदानों में बांग्लादेश में वो स्पिन बॉलिंग आ, अपने मैदानों में वो स्पिनर्स के ऊपर इहसार करते हुए मैचेस जीतते हैं तो उस एक पहलू को सिर्फ और सिर्फ अगर डालकर यह कह दिया जाए कि वो भी जा सकते हैं तो ये कंडीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें इनका इन्हसार होता है लेकिन भी जब भी असल टूर्नामेंट अभी देखें ना अमरीका में जो मैचेस होने हैं ड्रॉप इन पिचेस पर होंगे जो वेस्ट इंडीज़ की पिचेस हैं उनमें भी कुछ आ, ऐसे वेन्यूज़ हैं जहाँ पर आपको अच्छे पेस माउंस वाला मिल सकता है रन अच्छे निकल सकते हैं कुछ होंगे जहाँ पर स्पिनर्स को मदद ज़्यादा मिल सकती है तो इसका इसार उस वक्त होगा जब उस जगह पर जब आपका टूर्नामेंट शुरू होता है पिचेस कैसे आपको बिहेव करती हैं जो ड्रॉप इन पिचेस हैं वहाँ से आपको क्या मिलता है जो जब आप वेस्ट इंडीज़ खेलने के लिए जाते हैं मुख्तफ आप वेन्यूज पर जाएंगे तो वहाँ पर जो पिचेस हैं उनका रवैया क्या होगा किस तरह से रिएक्ट करती हैं एक सौ सत्तर अस्सी के मैचेज़ होते हैं एक सौ नब्बे दो सौ के ऊपर जाते हैं हाई स्कोरिंग मैचज़ होते हैं या किस तरीके से होते हैं तो ये सारी की सारी कंडीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें इनका इन्हसार है खिलाड़ी किस तरीके से अपने आप को अडेप्ट करते हैं उसपे और किस तरीके से आगे बढ़ते हैं ये बहरहाल जब टूर्नामेंट शुरू होगा तो बहुत सारी चीजें वाजे होंगी वाजे हो जाएंगी बिल्कुल सही बात है शायद आफिदी साहब ने ये भी कहा कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान टीम फाइनल्स में भी जाए क्योंकि जाहिर है आ, उन्हीं की क्यादत में पाकिस्तान ने 2009 का टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप जो है वो जीता था यानी यानी वो खान खान थे कप्तान, यूनस खान, कप्तान खान थे कप्तान कप्तान शाहिद का शाहिद उस स्क्वाड स्क्वाड का का हिस्सा हिस्सा तो, तो आ, मतलब उन्होंने एक फतह देखी है पाकिस्तान की तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये टीम भी आगे जो है वो जीते जरूर और हम सब उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान जो है मैं फाइनल्स में खेलता हुआ नजर आए आफिफ साहब एक और बड़ी डिस्कशन जो है वो पड़ोसी मुल्क में जारी है के हार्दिक पांड्या जिनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात की जा रही थी कि आईपीएल में कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं बड़ी तनकीद का सामना उनको हुआ है तो वो कहते हैं ना कि हर शख्स की ज़िंदगी में कोई ज़ाती मसाइल भी चल रहे होते हैं जिसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस पर भी आता है तो हार्दिक पांड्या की पर्सनल लाइफ में अभी एक इशू जा रहा है यानी उनकी एक डिवोर्स हो रही है और कहा जा रहा है कि उनकी सत्तर फीसद जो प्रॉपर्टी है वो भी उनकी वाइफ के नाम से जो कि एज़ पर लॉ जो है वो होगी तो उनका एक निजी मसला है लेकिन उसका इम्पैक्ट जब उनकी परफॉर्मेंस पर आया और बहुत तकलीफ देह बात है तो क्या कहना चाहेंगे उन तमाम लोगों को जो बग़ैर किसी किसी रीज़न को जाने जो है वो ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं देखिए बात यह है कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी में इस किस्म के हालात जो हैं वो बड़े तकलीफ देते होते हैं बिल्कुल सही बात है बजाय इसके कि उसको उन चीज़ों में और ज़्यादा दबाया जाए और आ, उसके ऊपर और ज़्यादा बात की जाए मुनासिब यही होता है कि किसी की प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए एहतराम किया जाना चाहिए आ, अगर उनकी ज़िंदगी में ज़िंदगी के एक मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं जैसा कि मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और वो यकीनी तौर पर जब आप इस किस्म के हालात से गुज़र रहे होते हैं तो आपके तमाम काम मुतासर होते हैं और चूँकि वो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं और टॉप लेवल के क्रिकेट खेलते हैं मेंटली बहुत टफ हैं उनके हज़ारों लाखों परिस्तार हैं जो उनको दुनिया में खेलते हुए देखना चाहते हैं कामयाब देखना चाहते हैं भारत के करोड़ों लोग उन्हें भारत की तरफ़ से खेलते हुए कामयाबी के साथ देखना चाहते हैं जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि लोग क्रिकेट उनकी देखते हुए उसके ऊपर बात करते हैं तो जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो आप अगर बुरा खेलेंगे तो आपकी कारकर्दगी पर तो बात होती है बिल्कुल सही पर उस वक्त लोग ये नहीं देखते हैं कि इसके साथ क्या मसाइल चल रहे हैं या क्या वजह हो सकती है क्रिकेट से हट की भी इसकी वज़ा? कोई जिंदगी है ठीक है तो या तो ये हो कि वो ब्रेक ले लिया होते और ना खेल रहे होते लेकिन जब आप खेल रहे हो टीम के कप्तान हो आपकी कारी ठीक ना चल रही हो और आपकी काम टीम की कारकरदगी का मैार भी आपकी कारदगी के साथ जुड़ा हो टीम एक जगह आपको थोड़ा बेहतर अच्छे ख़ासे बेहतर नंबरों पर नज़र आए और वो उसमें एक झुकाव आए एक आप कहें कि वो उसको नीचे को उसको छलांग लगा दे तो लोग बात करेंगे क्योंकि अगर आपकी सवा महीने डेढ़ महीने या दो महीने की क्रिकेट लीग चल रही है और उसमें आप बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो फिर आपकी क्रिकेट पर बात तो होती है लोग उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से तो तनकीद नहीं कर रहे हैं लोग उनकी क्रिकेट के हवाले से तनकीद कर रहे हैं चूंकि वो टीम की क़्यादत कर रहे हैं उस टीम की क़्यादत कर रहे हैं और उसके बाद उन्होंने इंडिया के लिए वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी जाना है सो so अनफॉर्चुनेट उनके लिए ये एक मुश्किल फेज़ है आ, बेहतरी से निकल निकल जाएं इससे और अच्छे तरीके से निकल जाएं और जो सुना जा रहा है ये ना हो बेहतर ये ना हो तो बेहतर है वो उनकी लाइफ कोई उनका टर्न लगे और वो बेहतर तरफ चले जाएं तो ये ज़्यादा अच्छी बात होगी दोनों के लिए दोनों के लिए अच्छी बात होगी मेरा ख़्याल है इनकी काफ़ी दोनों आ, जब इनकी जो इनकी मेसेज हैं इनको हाँ। खासा इनके अगर सोशल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देखें तो इनको खासा देखा गया है ये बड़ी अच्छी अच्छा यादें हैं खुशगवार यादें उनकी और कोई ये चाहता नहीं है कि उसकी जिंदगी में कोई इस किस्म का फेज़ आए लेकिन बहरहाल मैं तो यही ख्वाहिश करूंगा कि कोई यूटर्न लगे और वो बेहतर हो जाए बेहतर हो जाए बिल्कुल सही बात है हमें ज्वाइन किया है समा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कादिर कादिर कैसे हैं आप वाईक मेरा का शुक्र है कादिर साहब अभी हम गुफ्तु कर रहे थे हार्दिक पांड्या के हवाले से जिनकी डिवोर्स का सिलसिला अभी जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर हों कोई ऐसा मसला ना हो कि जिससे परफॉर्मेंस पर असर आए जैसे आपने बताया था कि बाबर की भी लाइफ में इस किस्म के कुछ मसले चल रहे हैं और उसकी वजह से परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होती है लाजमी उसका इम्पैक्ट होता उसकी है जो भी शादी नहीं हुई मीरा वो मतलब होने वाली थी फिर नहीं हुई नहीं होना ही चले इस वक्त तो बेहतर तो उसका सिर्फ बल्ला चले।, <laughs> <सही बात है। laughs> चले और फील्ड में जब वो पाकिस्तान टीम फील्ड कर रहे हो तो उनका दिमाग ज्यादा तेज चला है बेहतर कोई और चीज नहीं चलनी चाहिए सही बात है बिल्कुल सही बात है कादिर क्या नजर लगती खिलाड़ियों की पर्सनल लाइफ को देखिये पर्सनल लाइफ को हम डिस्कस नहीं करें तो बेहतर है उनकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस तो आउट क्लास है और उन्होंने जिस तरह परफॉर्मेंस माजी में पाकिस्तान के लिए दी है अनफॉर्चुनेटली हाँ। uh, इस तरह का हमें देखने को मिला कि वो मैचेस फिनिश नहीं कर सकते जिस तरह के हमें जो है वो बॉर्डर पार एक खिलाड़ी है विराट कोहली वो बड़े क्रुशल मैचेस में उनको फिनिश करने की सलाहियत रखते हैं लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम एक वाहिद प्लेयर है जो बड़े अरसे के बाद इस तरह की टेक्निक और क्लास का प्लेयर है जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है हार्दिक पांड्या की आपने बात की तो उनकी जब शादी हुई थी तो उसके बाद उनकी अलहदगी एक मरतबा पहले भी हो चुकी थी उसके बाद उन्होंने दोबारा जो है उनके साथ उनके जो है मामला तय पाए उनकी वाइफ के साथ हाँ बिल्कुल और उसके बाद अब फिर जो है वो उनका हो चुका है ये उनकी पर्सनल मैटर्स हैं और उसका ऑब्वियसली असर जो है वो उनकी परफॉर्मेंस पर जरूर होता है तो परफॉर्मेंस जो है वो इस चीज पर आएगा तो सही कि वो मेंटली तौर पर परेशान होंगे और जब आप मेंटली तौर पर रिलैक्स नहीं होते हैं तो उस वक्त आपकी परफॉर्मेंस खराब होती है आपके साथ आपके प्रॉपर ध्यान जो है वो आपकी बैटिंग पर या आपकी परफॉर्मेंस पर नहीं जाता जिसका असर जो है वो पूरी टीम को भुगतना पड़ता है इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मेंटल हेल्थ जो प्रोग्राम है वो बड़ा जरूरी है और डॉक्टर्स को और खासतौर पर जो साइकोलॉजिस्ट हैं हाँ। उनके हवाले से जो जो ग्रूमिंग है वो होनी चाहिए और प्लेयर्स के साथ जो है वो कंफर्ट लेवल बहाल करना चाहिए तो ये चीजें उनके पर्सनल मैटर हैं लेकिन इस चीज़ का असर जो है वो उनकी परफॉर्मेंस पर जरूर होगा दूसरी जाना बाबर की आपने बात की है तो देखिए आज जो है वो चूंकि पहला मैच बारिश की नजर हो चुका था आज दूसरा मैच है और बर्मिंगम में होगा कुछ देर बाद और बर्मिंगम में जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि बारिश एक्सपेक्टेड नहीं है आ, बादल जरूर होंगे मैं, 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 होते मैं कादिर ख्वाजा इस टाइम इंग्लैंड में मौजूद है और हमारे क्रिकेटर्स के बहुत नजदीक हैं

पिच की कंडीशन के हवाले से पिच देखें इंग्लैंड में जो है वो बैटिंग स्पोर्टेड पिचेस अब बनाई जाती हैं। और तौर पर जो भी टॉस जीतेगा वो कंडीशन को और वेदर को मद्देनजर रखकर उसका फैसला करेगा कि बैटिंग करनी है बॉलिंग लेकिन आज जो है वो ज्यादातर कंडीशन साजगार बैटिंग के हवाले से जो भी टॉस जीतेगी टीम वो पहले बैटिंग को तरजीह देगी और बाबर आजम जो है वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे क्योंकि वर्ल्ड कप स्कवाड अनाउंस हो चुका है हमने जो बताया था वही तीन लड़के बाहर हुए उसके बाद अब ये पंद्रह वही अनाउंस कर दिए गए जिसका आमिर नजीर साहब भी कहते थे कि इतनी जो है वो देर क्यों लगा दी है तो गुजशतर रोज चेयरमैन पाकिस्तान सही बात है देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी जब नाराज हुए हैं तो उसके बाद सिलेक्शन कमेटी को उन्होंने कहा है उनसे गुस्से का भी किया कि आप लोग क्या कर रहे हो इतनी देर से आप लोग तीन लड़के बाहर नहीं कर सकते आपके साथ 15 का स्क्वाड अनाउंस नहीं हो रहा हमने ये भी खबर दी थी कि ये रिजर्व नहीं होंगे ये ट्रेवल नहीं, नहीं कर सकेंगे आपको याद होगा मेरे हमने प्रोग्राम में ये ब्रेक की थी खबर और उसके बाद जो है वो उसका रोज जो प्रेस रिलीज आई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उसमें भी ये मेंशन था कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते टीम के साथ ट्रैवलिंग रिजर्व कोई नहीं रखे तो इसलिए अब जो टीम अनाउंस हो चुकी है वर्ल्ड कप स्क्वाड के हवाले से उनमें से ही कम्बिनेशन ट्राई करना चाहिए जो पंद्रह लड़के हैं उनमें से ग्यारह जो है वो मैदान में उतारने चाहिए बकिया तीन मैचेस बाकी है तो तीन मैचेस में अब मुख्तलि कम्बिनेशन इनको ट्राई करना चाहिए उस्मान खान को भी ट्राई करना चाहिए अबा सफ्रीदी को भी ट्राई करना चाहिए आपके जो मुख्त सीनियर प्लेयर्स हैं उनको भी फुल स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतारना चाहिए तो बाबर के पास अब ये तीन प्रैक्टिस मैचेस हैं

हाफसा भी साथ बैठे हैं हाफसा भी बिल्कुल बता सकते हैं इस हवाले से क्योंकि पाकिस्तान के के पास जो जो तीन इंग्लैंड खिलाफ मैचेस है ना वो हमारे असल में प्रैक्टिस मैच है और, और इंग्लैंड का जो अभी जो सीजन है उसमें ये पहला इंटरनेशनल मैच इंग्लैंड खेलने लगा है यहाँ पर तो इसलिए इंग्लैंड के साथ इंग्लैंड भी अपने लड़कों को ये कह रहा होगा कि यहाँ पर जो है वो आज प्रैक्टिस मैच के तौर पर इसको खेला जाएगा लेकिन कंडीशन और फुल स्ट्रेंथ ये पाकिस्तान को इस हवाले से जरूर देखा जहाँ उनका इतना रेस्ट मिल चुका है पहला मैच जो था हुँ, हुँ. वो आ, वो बारिश की नजर हो गया उसके बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को रेस्ट भी मिला क्रिस्टन से बातचीत करने का मौका भी मिला उनके साथ गुल मिलने का भी मौका मिला तो यहाँ पर खुशबरी ये है तमाम क्रिकेट शायक के लिए जो तमाम क्रिकेट व्यूअर्स हैं उनके लिए कि मौसम क्लियर है किसी किस्म की बारिश की कोई खतरा नहीं है आज आप लोग मैच एंजॉय करेंगे और पाकिस्तान ये मैच जरूर जीतेगा बिल्कुल सही है हाफिज सा बता रहे हैं कि आज बारिश भी नहीं है दूसरा जो पिच है वो बैटिंग को सपोर्ट कर रही है तो आपकी मुस्कुराहट क्या कह रही है पहले परम बताएं तो सवाल कंटिन्यू कर देखिए एक अच्छी बात ये है कि मौसम के हवाले से हाँ। क्योंकि क्रिकेट मैच का होना इस वक्त में कि जब आप वर्ल्ड कप से आन पहले हैं और पाकिस्तान ने वार्म अप मैच वहाँ पर जाकर नहीं खेलने और जो अभी कादिर कह रहे थे कि आईसीसी ने पाकिस्तान को वार्म अप मैच नहीं दिया मेरा ख्याल है कादिर साहब को पता है कि पाकिस्तान ने मैच लिया नहीं है हाँ एग्जैक्टली exactly. तो पाकिस्तान ने वार्म अप मैच की बजाय यहाँ पर जो मैच हैं वो खेल रहे हैं प्रैक्टिस मैच हैं पाकिस्तान के मतलब इनको हुँ. एक प्रैक्टिस मैच के तौर पर आप ले सकते हैं लेकिन ये जरूर रखना चाहिए जिनमें कि ये इंटरनेशनल मैच हैं exactly. और बारिश चूँकि बारिश की वजह से पहला मैच हो नहीं पाया पाकिस्तान के लिए ये और इंग्लैंड के लिए भी वैसे ही सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं आ, ये जो मैचेस हैं ये वर्ल्ड कप के नुक़ नगाह से अगर आप उसको सामने रखते हैं तैयारियों के अतबार से ज़रूर अहम है जैसा कि पहला मैच नहीं हो पाया तो मुस्कुराहट यही है कि अल्लाह करे कि ये जो दूसरा मैच है ये दूसरा तीसरा और चौथा ये तीनों मैचेस पाकिस्तान को खेलने को मिले इंग्लैंड जो कि न जो बड़ी दिलचस्प चीज़ होनी है ना जो कि दिलकशी का बायस है एक तो ये है कि हारिस रऊफ की वापसी और पाकिस्तान के पेस अटैक में उनकी उस रिदम में वापसी जिसके लिए वो माने जाते हैं उसको देखने का लोगों को जरूर इंतजार है उसके बाद दूसरी तरफ दूसरी तरफ जोफ्रा आर्चर का देखने ओ, का इंतजार है क्योंकि ये जो जैन पेस है ये बुनियादी तौर पर आ, किसी भी टीम में हो हाँ। मतलब एक टाइम था ना कि जब शोएब अख्तर पाकिस्तान के लिए खेलते दिल्कुल थे मोहम्मद समी पाकिस्तान के लिए खेलते थे शैन बॉन्ड न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते थे ब्रेटली जो है ग्लेन मैग्रा, ग्लेस्पी या ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते थे तो ये जो फास्ट बॉलिंग है ना ये क्रिकेट का असल में एक बहुत बड़ा हुसन है हाँ। आ, जब जोफ्रा आर्चर वापस आएंगे और फिर अपने मैदानों पर ही वापस आएंगे, तो ये भी पाकिस्तान के लिए भी एक इम्तहान होगा ज़रूर कि आप किस तरीके से अगर वो भी फिट हैं मुकम्मल तौर पर और वो अपनी आ, जो हकीकी उनकी रफ्तार है उसके साथ गेंदबाजी करते हैं क्योंकि वो भी काफ़ी टाइम बाद तो वो पाकिस्तान के लिए सवा तीन सौ साढ़े तीन सौ दिन है मेरा ख्याल जिसके बाद वो इंटरनेशनल मैच हाँ। खेल रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए इम्तान है पाकिस्तान की तरफ से हारिस शूफ़ अगर अच्छा खेलते हैं अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए यही पंद्रह जो खिलाड़ी हैं इन्हीं में से ग्यारह हर मैच में खेलते हुए नज़र आएंगे अब ये तो नहीं हो सकता कि कोई इजाफी शामिल कर लिए जाए साथ तो पाकिस्तान को अपने इसमें से कोई चीज़ नहीं नहीं है आप सब नहीं नहीं, नहीं देखें हमारी टीम ने जितना वेट किया है जितना सबर किया है हमें वाकई में उसका बहुत फायदा हुआ है कि हमारे बेहतरीन प्लेयर्स जो हैं वो डिसाइड किए गए हैं स्क्वाड के लिए देखें ये मानना पड़ेगा हाँ ठीक है मतलब ये है कि ये बेहतरीन प्लेयर सिर्फ ऐलान होने के बाद हुए हैं उससे पहले नहीं थे <laughs> नहीं ये, ये पहले प्रेंग भी प्रेंग यही थे टीम के साथ पहले भी यही थे इतना इंतजार करने के बाद देखिए कितनी अच्छी खबर हमारे सामने आई है कल के ये देखिए ये इसमें भी इस सारे पंद्रह के पंद्रह खिलाड़ियों में ना हाँ। ये अब सिर्फ और सिर्फ इम्तहान है कप्तान का कोच का सीनियर टीम मैनेजर का या जो आपके लोग प्लेइंग 11 का फैसला करेंगे हाँ। प्लेइंग 11 का एक कि जब तक आप प्लेइंग इलेवन मंत नहीं कर लेते ये वाली प्लेइंग इलेवन मैदान में उतरेगी उस वक्त तक उनका इम्तहान है उसके बाद सबसे बड़ा इम्तहान है कप्तान का कि वो अपने उन ग्यारह खिलाड़ियों से खेल के मैदान में जब चालीस ओवर्स का खेल है फायदा कैसे उठाता है हाँ। क्योंकि आपको जब आपको रन हो जाते हैं ना पहले तो उसके बाद आपकी कप्तानी नहीं होती कप्तानी होती है जब आप चेस जब आप अपना हदफ सामने रखा हुआ है और आप उसका दिफा कर रहे हैं सही बात जब आप बैटिंग सेकंड टाइम कर रहे हैं ना तो वहां पर फिर आपके बल्लेबाजों ने अपनी गेम अवेयरनेस के साथ या अपने अपनी उस सलाहियत के साथ या अपनी जारहाना बल्लेबाजी के साथ जो भी हदफ है उसको हासिल करना है हाँ। कप्तान पहले 20 ओवर्स में अगर उसके खिलाड़ी बॉलिंग कर रहे हैं तो अपने बॉलर्स को किस तरह से इस्तेमाल करता है बेहतर फैसले करता है या नहीं करता अगर पाकिस्तान हदफ का दिफा कर रहा है तो कप्तान अपने बॉलर्स को कैसे इस्तेमाल करता है फील्ड प्लेसिंग क्या होती है तो ये अब पाकिस्तान के इन खिलाड़ियों का इन लोगों का बुनियादी तौर पर बड़ा इम्तहान होगा जो पाकिस्तान के पास दस्तयाब अच्छे खिलाड़ी थे उनको खिला लिया गया फिटनेस पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया बहुत सारी चीजों पर समझौता कर लिया गया ठीक है लेकिन पुशु उसके पुशु बावजूद है। भी यही पंद्रह आपके पास बचते थे जिनको आपने ऐलान कर दिया जिनका बेहतरीन पंद्रह बेहतरीन देखिए पाकिस्तान अब पाकिस्तान जी जी खायद साहब हाफि साहब एक 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 चीज चीज सॉरी आपको इंटरप्ट किया है है जो वो लोगों के माइंड में आ रही होती है कि के वाइस वाइस कैप्टन कैप्टन जो है वो कब अनाउंस होगा तो के हवाले से हम लोग थोड़ा सा ये खबर दे दें कि वाइस कैप्टन के हवाले से अभी तक जो हमारे बताते हैं वो ये है कि पहले मोहम्मद रिजवान का नाम जो है वो जेरे को आ रहा था उसका ऐलान किया जा रहा था लेकिन लेकिन उसके बाद जो है वो ये चीजें डिस्कस की गई मीटिंग्स में सिलेक्शन कमेटी की कोच के साथ कप्तान के साथ कि अगर मोहम्मद रिजवान को बनाया जाता है तो शाह के दिल में आएगा कप्तान था तो इसलिए बनाया जाएगा और जो अभी इस के अगर बाबर खुदा ना इंजर्ड होते हैं तो आपको उसी टाइम जो है वो फिर टीम मैनेजमेंट फैसला करेगी कि उस ग्राउंड में कौन वाइस कैप्टन होगा ताकि किसी के जो है वो दिलो दिमाग में ये चीज़ ना है कि पहले उसको वाइस कैप्टन बना दिए जिस तरह शदाब खान नायब थे और बाबर आजम के साथ काफी अच्छा तो का इसी के साथ एक और अपडेट भी है कि शाहन आफरीदी को ऑफर की गई है उन्होंने ठुकरा दिया है उन्होंने कहा कि बिल्कुल झूठ है बिल्कुल झूठ है, है मेरा ऐसी कोई बात नहीं है ऐसी कोई खबर नहीं है कि शाहीन शाह आफरीदी को ऑफर की गई है और ये कोई इस तरह की खबर हमारे साथ जो है वो जरा ये नहीं बताते वो बनेगी भी नहीं ना देखिए एक बंदा वो नहीं भी, भी कर रही है फ्लोट ये बात कहीं ना कहीं ये खबर 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 जो है वो खबर फ्लोट की की जाती है होती है लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है अफवाह भी हो सकती है ना मतलब आप कादर का ये मानना है कि अफवाह भी हो सकती है लेकिन मेरे आपस में जहां तक ताल्लुक जैसे भी आपका मौका ठीक है ठीक ठीक है है आपका है, दी बिल्कुल जो है, वो, वो, को को के 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 तो वो वाइस कप्तान बनेगा आ, वो तो उसको ब्रैडमैन का भी वाइस कप्तान बनाया ना इस मौके में बनना बिल्कुल सही बात अरे ये ये ना कुछ चीजें होती हैं जो बड़े बड़ी एहतियात के साथ देखें ये एक ऐसे टाइम में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया जब नहीं तो सबसे सबसे आप ना इंसानों की नफ्सियात को आप मेंटल हेल्थ के लिए तो साथ में रख रहे हैं एक जो माहिर शख्स हैं हाँ। आप उससे पूछें कि ये क्या जो फैसला किया था हमने क्या ये मेंटल हेल्थ के लिए ठीक है सही तो अगर वो रिकमेंड करता है कि ये गलत फैसला किया गया है किसी भी खिलाड़ी की मेंटल हेल्थ के लिए तो आपने मेडिकल के लोगों के ऊपर तो दबाव डाला कि इन्होंने इंजरी की तशखीस गलत की तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों का नुकसान किया तो हाँ। ये जो जिसके फैसले से अगर तो खिलाड़ी खिलाड़ियों की खिला... जिनको मुतासर किया फिर, फिर क्या उस फैसले के खिलाफ भी आप कोई कार्रवाई करेंगे तो ये अब एक ऐसा ऐसे वक्त में ये सारी चीजें हुई हैं वैसे जो कल का दिन गुजरा है ना ये भी पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में ना लोग इसको याद रखेंगे जिन जिन लोगों को पता है ना कि क्या होता रहा है कल चंद घंटों में ठीक है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो मंजरे आम पर नहीं आएंगी मैं आपको बता रहा हूँ कादर साहब की मुस्कुराहट बता रही है कि ये भी मंजरे आम पर नहीं लाएंगे इनको भी पता है ठीक है इसलिए ये जिन हालात मेरा मेरा तो सीरियस मुंह बता रहा है ना कि मुझे बताएं कि बताएंगे आपको बता, क्या कुछ बता, आपको आपको जो कुछ बताई थी आपने उसके उससे साथ और बहुत सारी आपको समझ आ गई है तो इसलिए ये जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम का ऐलान हुआ है जिस में में और जिस अंदाज में गुजशत चंद हफ्तों में पाकिस्तान में क्रिकेट मैनेजमेंट हुई है और जिस अंदाज में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला चल रहे हैं ये कोई इतने अच्छे नहीं है देखें आप एक दिक ही टीम में आप अपने अपने लीडिंग फास्ट बॉलर को जो आपकी पेस बैटरी का लीडर है ठीक है आप उसको पांच मैचों के बाद कप्तानी से हटा दें और आप उसका एक बयान भी उसकी मर्जी के पूछे बगैर जारी कर दें कि मैं बड़ा खुश हूं जी ये ऐसे है वैसे है तो क्या उस मेंटल हेल्थ के जो आपने एक माहिर रखा है उससे पूछें कि ये जो फैसले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किए हैं क्या ये खिलाड़ियों की जहनी हालत को मुतासर करने के लिए काफी नहीं है

कि ये काम भी है ये काम भी है हम ये भी कर रहे हैं हम ये बत्तियाँ लगा रहे हैं हम ये घास लगा रहे हैं हम स्टेडियम को ये कर रहे हैं हम उधर ये कर रहे हैं हम इधर ये कर रहे हैं ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना ये फैंसी हैं जैसे क्रिकेट में आ गए स्टैट्स ठीक है इंटेंट आ गया पावर हिटिंग आ गई ठीक है मैचअप्स आ गए policy. ये मैचअप्स और ये जो पाव ये जो सारे ये हैं ना बनावटी अल्फाज या ये जो सुनने में अच्छे, अच्छे लगते, हैं। लगते हैं इनका ना एक बड़ा नो लुक शॉट हाँ बड़ा पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम किया उसने एडम गिल ने और साइमन डूल ने वो ज़रा सुने जाके वो पता लगेगा कि वो क्या कह रहे हैं इसलिए जहां तक ताल्लुक खालिस्तन क्रिकेट का है पाकिस्तान के ये पंद्रह खिलाड़ियों का ऐलान हुआ है पांच इसमें फास्ट बॉलर्स हैं ठीक है अगर आप इसको वैसे देखें ना कि क्या है इसमें पांच फास्ट बॉलर्स तीन विकेट कीपर दो मिडल ऑर्डर बल बल्लेबाज और पांच ओपनर ये है पूरी पाकिस्तान की टीम दो मिडल ऑर्डर बल्लेबाज स्पेशलिस्ट के हिसाब तीन, तीन हाँ। से हाँ। ये क्या, ये क्या साइंस है हाँ। पांच ओपनर गिन के बना दे बता देता हूँ फखर जमान एक फखर जमान एक मोहम्मद रिजवान दो बाबर आजम तीन सायूब चार उस्मान खान पांच पांच ओपनर्स हो गए बिल्कुल शाहीन आफरीदी एक नसीम शाह दो मोहम्मद आमिर तीन हारिस रऊफ चार मोहम्मद आमिर पांच पांच फास्ट बॉलर हो गए आजम, 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 आज, आजम खान और आजम खान और इफ्तार और उसके बाद रह गए आज़म खान और इफ्तखार ये हो गए वो दो क्या नाम है उनका आपके मिडल ऑर्डर ऑर्डर तो अबरार शादाब और इमाद ये आपके स्पिनर्स हैं ठीक है साब भी ओपनर्स है शादाब ऑलराउंडर भी देखें पता नहीं ये ऑल ही हैं सारे हाँ, ये ऑल तो ही हैं जाती है देखिए अभी आप कह रहे थे कि मेंटल जो ये होता है ना वो क्या उसको साहब बैडमिंटन में क्या स्कोर चलता होता है जब वो क्या होता है किसी का कोई स्कोर नहीं होता मेरे जेन से वो निकल गया यार पता नहीं वो निकल गया वो बड़ा बैडमिंटन खेल रहे होते हैं ना तो हाँ? जब आपके स्कोर गेंद रहे होते हैं ना तो ये एक और का बोल रहा है क्या होता है साहब हाँ जी ये लव ऑल है या बात बात है जिसने बात, जिस बात कर रहे थे कि हमारी टीम ने कितना मतलब वो मेंटली एक प्रेशराइज किया प्लेयर्स को कहीं ना कहीं हसन अली के साथ कितनी ज्यादी है देखें उनको पहले बुलाई नहीं में रखा और उनको शुक्र अदा करना चाहिए उनको पाकिस्तान की ख्वाहिशा मुस्कुरा रहे इनको पता है उनको शुक्र अदा करना चाहिए कि वो पाकिस्तान की टीम के साथ ट्रेवल किए आयरलैंड इंग्लैंड से आयरलैंड ठीक है उनको शुक्र अदा करना चाहिए कि उनको पाकिस्तान का स्टार मिला यह कोई ज्यादी नहीं होती ठीक है ज्यादा उस वक्त होती है कि एक शख्स ने चार सीजन में मुसलसल बाज़ बाज़ात वो भी ज्यादी नहीं होती आपकी किस्मत में नहीं होता अब जैसे साहेबजादा फरहान है ठीक है साहेबजादा फरहान बदकिस्मत इस हिसाब से हैं कि ऊपर पाकिस्तान की जो ओपनिंग स्लॉट है ना वो फिक्स है बाबर और रिजवान की मौजूदगी में उनकी बदकिस्मती है कि उनको जगह नहीं मिल रही ये ज्यादा नहीं है हां हाँ। उस बदकिस्मती को जो कि नजर आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास प्लान होना चाहिए कि आपने ए टीम के टूर्स अरेंज करें जो इतने आपके टॉप परफॉर्मर्स उनको दुनिया के मुख्त मुल्कों में बात ये जो डायरेक्टर इंटरनेशनल है पाकिस्तान क्रिकेट के जरा उनको बुला के पूछे ना किसी दिन वो भी तो आके बताए ना कि कहां है पाकिस्तान की अंडर नाइनटीन टीम पाकिस्तान की अंडर नाइनटीन टीम के हेड कोच कौन है ख्वाजा साहब हाँ जी पाकिस्तान के अंडर 19 टीम के हेड कोच कौन है कादिसा पाकिस्तान अंडर 19 टीम के हेड हेड कोच, कौन है, है? आवाज चलेगी चलें कादिर साहब नाम है क्या कादिर साहब कादिर साहब आते हैं ना तो उनसे दोबारा जानते हैं क्योंकि ये यहाँ से एक बहस का आगाज होता है यहाँ से एक बहस का आगाज होता है जैसे देखें बात ये है कि जब आप डायरेक्टर इंटरनेशनल की बात करते हैं तो क्या उनकी बुनियादी जिम्मेदारी नहीं है कि वो पाकिस्तान की ए टीम को पाकिस्तान की अंडर नाइनटीन टीम को मसरूफ रखें साल में तीन चार टूर्स उनके हों तीन चार टूर्स उनके तो एक जिम्मेदारी उन पर हो तो वो करें वो उनकी सबसे पहले ये फिर वो इसका मतलब है कि आप उनको समझती हैं कि वो ऑलराउंडर हैं जो उनका काम है बुनियादी तौर पर वो उनको वो करना है सबसे पहले वो क्या काम है कि उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट को इंगेज रखना है हर सतह के ऊपर नेशनल इंटरनेशनली पाकिस्तान की पाकिस्तान की कौमी टीम को उनके साथ साथ पाकिस्तान के अंडर नाइनटीन टीम को पाकिस्तान की ये टीम को पाकिस्तान की पाकिस्तान टीम ने आ, अब तक वर्ल्ड कप का आखिरी मैच खेलने के बाद कितने आ, मैचेस जो हैं वो वनडे मैचेस खेले हैं और पाकिस्तान ने आइंदा बरस चैम्पियंस ट्रॉफी की मेजबानी करनी है पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच अपना खेला आखिरी उसके बाद अगला टेस्ट मैच कितने महीनों के बाद है और जितने महीनों का उसमें वक़ा है ना

तो अब बाबर को देखें जब हमारे पास पहला जो ओपनर्स होते हैं आपको इस बात की ज्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन है कि वो स्कोर सारा उन पर रिलाई करता है कहीं ना कहीं ठीक है अगर वही स्लो करते हैं या वो खेल नहीं पाते हैं तो सारा इम्पैक्ट जो है वो आपकी तमाम स्कोर पे चला जाता है साइम को ऊपर रखना इतना ज्यादा आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट करना और बाबर का खुद नंबर थ्री पर आ जाना क्या ये फैसला ठीक है मीरम मैं ना अब ये जो बाबर का उसको सपोर्ट करना है ना ये वाला जुमला उसमें से निकाल दिया जाए इसको आप रख लें देखिए बात यह है कि अब इसकी इसकी ना मुख्त एक इसके जाविये हैं जिसके ऊपर आप गुफ्तु कर सकते हैं आ, जो लोग सुन रहे हैं जिनको समझ आए वो समझ गए होंगे कि इसके इसका मतलब क्या है बाबर उनको सपोर्ट कर रहे हैं और बाबर नंबर तीन पर आ गए हैं अगर बाबर सुनेंगे तो उनको भी समझ आ जाएगी कि इसका मतलब क्या है पाकिस्तान का जो मसला था वो ये था कि हमारे सातवें से दसवें या बारहवें ओवर तक रन्स अच्छे नहीं बनते और उस वक्त खेल रहे होते हैं ज्यादातर बाबर और रिजवान ठीक है ठीक है तो अब आपने चेंज क्या किया चेंज आपने ये किया कि अगर एक आउट होता है तो बाबर और रिजवान दोनों में से कोई एक फिर मैदान में होता है दोनों में से फिर कोई एक मैदान तो अगर अगर वही ओवर दोबारा वही खेल रहे हैं तो आपने चेंज क्या किया पाकिस्तान का मसला था नंबर तीन का बल्लेबाज जो कि स्ट्राइक रेट को ऊपर लेकर जाता और जो एक दबाव बन सकता था या बनता रहा पाकिस्तान पर उससे पाकिस्तान को निकालता बजाय इसके कि हम उस एक जगह को ठीक करते हमने जो ऊपर वाले नंबर्स थे उनको भी खराब कर दिया, दिया। या हम इसके साथ यह करते कि कि बाबर और रिजवान के साथ बात करते उनसे कहते भाई जान हमें इन ओवर्स में आपकी तरफ से इससे ज्यादा बेहतर बैटिंग की जरूरत है ठीक है और अगर आप नहीं करेंगे तो यह पाकिस्तान के लिए नुकसान फिर आप अपनी क्रिकेट में शॉट्स को ऐड करते हैं आप अपनी बैटिंग में बॉलर भी देखें ना वेरिएशन के ऊपर जाते हैं जब हारिस श्रौफ नए आए होंगे तो वो इतना अच्छा वन नहीं करते नहीं होंगे लेकिन उन्होंने उसको डेवलप किया ठीक हाँ। है शाहीन अफरीदी जब नए आए होंगे वो नया गेंद इतना ज्यादा अच्छा नहीं करते होंगे लेकिन वक्त के साथ साथ तो उन्होंने उस सलाहियत को अपने निखारा और उन्होंने तो विकटें हासिल की यही सूरत हाल जाती है आपके बैटर्स की तरफ और बैटर्स के लिए भी ये जरूरी है कि अगर नंबर ओवर नंबर सात से ओवर नंबर बारह तक पाकिस्तान का जो रन रेट है वो नीचे आता है तो ये उस वक्त खेलने वालों की जिम्मेदारी थी कि वो उस ओवर उन ओवर्स का बोझ उड़ाएं उठाएं और उसका जो दबाव बाद में आने वालों पर पड़ता है उसको कम करने की कोशिश करें हमने ना वो तो ठीक किया नहीं जहां पर करना था जो ठीक हो रहा था उसको भी खराब कर दिया अब अगर आप इब्तदाई ओवर्स में देखते हैं साइम और रिजवान अगर खेलते हैं हाँ। रन रेट अगर आपका वही होता है कि आपने पचास ही बनाने हैं तो फिर क्या तो फायदा क्या था फाएदा आपको, फाएदा क्या तो क्या था वाएदा आपको वाएदा। उस ओपनिंग प्लेयर को तोड़ने का फिर जो नंबर तीन का बल्लेबाज हम नहीं बना तैयार कर सके खड़ा नहीं कर सके नंबर चार पाँच छः का बल्लेबाज हम खड़ा नहीं कर सके आजम खान की पावर रेटिंग अबिलिटी के ऊपर तो कोई ऐसी राय नहीं है शक नहीं है लेकिन उनको इसको साबित करना पड़ेगा कि वाकई वो टॉप क्लास बॉलिंग के खिलाफ भी उतनी अच्छी बैटिंग करते हैं इसको एक तरह से बीट करके वो सामने आए ना बीट करके नहीं आए वो बहुत सारे बहुत सारे, बहुत सारे खिलाड़ियों बहुत सारे खिलाड़ियों को वो मतलब है कि जोर लगाकर उनको साइड पे साइड उन्होंने <laughs> किया है और मतलब पाकिस्तान के पास था था कुछ नहीं उन नंबर्स के ऊपर और आपने चले गए एक था कि आप उमर अकमल को ट्राई कर सकते थे आपने नहीं किया आपने उनको उस नंबर पर मौका नहीं दिया जिस तरह से पर वो खुद भी उनका इजहार जिस तरह से आपने दीगर खिलाड़ियों के साथ बर्ताव किया है हाँ। अगर आप ये समझते थे कि नंबर चार पांच छह पर पाकिस्तान के लिए कोई एक बंदा मौजूद है जो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकता है तो आप जिस तरह दूसरों के नखरे उठा रहे हैं मतलब आजम खान को दो हजार बीस से लेकर चौबीस तक अगर वो अपना वजन कम नहीं कर पाए बावजूद इसके कि उनको कहा गया कि वो अपनी फिजिकल फिटनेस को बेहतर बनाए वो नहीं कर पाए तो लेकिन आपने उनको खिलाया ना तो फिर दीगर लोगों के अगर कहीं ना कहीं आप को लगता है कि उनकी कोई एक चीज ठीक नहीं है लेकिन उनकी क्रेडिट ठीक है तो फिर आप उनके साथ भी वही सलूक कर सकते थे ना आप उनकी सलाहियतों से भी फायदा उठा सकते हैं और इस वक्त पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर में जितने भी बल्लेबाज है ना अगर आप पोटेंशियल के से देखते हैं ना तो वो उम्र इनसे बेहतर है सबसे वो बार वो बार सिर्फ चार आठ दस बॉलों का बैट्समैन नहीं है वो आपके लिए बारह ओवर्स का भी बल्लेबाज है वो इनिंग्स को बना है। सकता है बड़े शॉट्स बड़ी आसानी के साथ खेल सकता है मैच को फिनिश कर सकता है तो ये जब आप चीजें देखते हैं कि हम ना तो हमने नंबर तीन का बल्लेबाज ठीक किया बाबर और रिजवान के साथ ना, ना हमने चार पाँच छः के बल्लेबाजों को ठीक किया तो जो असल मसायल थे पाकिस्तान के क्रिकेट के वो तो अपनी जगह पर है और जो मसला नहीं था हाँ। हमने उसको भी मसला बना दिया कि हमने ओपनिंग पेयर को भी तोड़ दिया।, दिया तो ये वो सारे लोग जिनके नाम बार बार यहाँ पर लिए जाते हैं कि इनके आपने चेहरों को और इनके बयान को इनके इकदाम को याद रखना है और फिर आपने बाद में देखना है कि इसने क्या कहा था इसने क्या कहा था इसने क्या कहा था फैसला क्या किया था और बात क्या की थी और टीम के लिए कितना अच्छा किया था सो so, ये चीजें देखने के लेकिन अब चूंकि पंद्रह पाकिस्तान के खिलाड़ियों का ऐलान हो चुका है इसमें कोई तब्दीली जो है वो मतलब जब है। तक के कोई अनफिट खुदा न खासा अल्लाह ना करे कोई भी अनफिट हो तो जी बस <laughs> के लिए इतना ही हमारा <laughs> वक्त खत्म हो रहा है मुझे शो रैप अप करना है नाजीन आज का सवाल जो है मैं ड्रॉप कीमती वक्त दिया हमारी डिस्कशन जो है वो इतनी लंबी होती है कि हमारे पास वक्त बहुत कम होता है लेकिन आपसे मुलाकात होती है साढ़े नौ बजे मैच यकी तौर पर उस पर खत्म हो गया होगा या सेटिंग सेकेंड इनिंग्स जो है वो जारी होंगी तो हम उस पर बात करेंगे और सवाल मैं ड्रॉप करती चलूँगी दो में आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन था कमेंट्स में बताइए मैं आपके नेम्स के साथ आपके कमेंट जरूर शामिल करूंगी नेक्स्ट शो में मेरा फेवरेट प्लेयर जिसकी मुझे बहुत याद आ रही थी वो सईद अजमल था और आप लोग प्लीज़ अपनी राय का इजहार करें हाफिज साहब अगेन थैंक यू सो मच सो एवरी सी यू एट नाइन थर्टी पी तब तक के लिए अला हाफिज